हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपका दोस्त एचएस। स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग पे। और गाइस, इसमें टाइम हो रहा है, आपको दिखा दो, ये देखिए 5:35। इसमें टाइम हो रहा है 5:35 सुबह के, ठंड का टाइम है, 5:35 हो रहे हैं एंड लोहड़ी का दिन है। तो इसलिए आपको सबसे पहले हैप्पी लोहड़ी एवरीवन। धीरे बोल रहा हूँ, अंदर मम्मी पापा सो रहे हैं और ऊपर अंधेरे में लोग पतंगे उड़ा रहे हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा, आई शो यू, आओ दिखाता हूँ गाइस। ये देखिए, फिर से आपको टाइम दिखा देता हूँ, आपको गलत लगे 5:36। और यहाँ देखो, चालीस तो कुटला गया, मेरा भाई ऊपर चढ़ा हुआ है, जहाँ पे लाया यार। अच्छा, तो गाइस ये देखो, अंधेरे में ही लोग लगे हुए हैं पतंग उड़ाने। ये देखो, वाइट वाइट थोड़ा थोड़ा ही दिखेगा, क्योंकि पतंग इतनी अच्छे से दिख नहीं रही है अंधेरे में। लेकिन ये देखो, थोड़ी थोड़ी आपको दिख रही होगी, ये थोड़ी थोड़ी वाइट वाइट है। ये देखो, ध्यान से देखो तो, एंड देखो टाइम, देखो सुबह के 5:40। और मेरा भाई अभी भी पतंगे लेने गए नीचे। तो गाइस, इतना क्रेज है सुबह सुबह, लोगों ने लगा लिए, ठंड इतनी हो रखी है। हम भी उड़ाएंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मैं अभी नहीं उड़ा सकता पतंग। मेरा भाई फिर से चढ़ेगा पतंगे लेकर। सुबह के 6 बज रहे हैं गाइस अभी बस, और लोग पतंगे उड़ा रहे हैं अंधेरे में। ये देखिए, इतनी सारी पतंगे पड़ी है मेरे पास लोहड़ी के टाइम। और ये देखिए, कुछ छोटे गुड्डे भूत वाले, ये अमेरिका शेड का गुड्डा, ये 2020 के गुड्डे, ये बड़े वाले मैंने दो लेके आऊँ, एक 2020 लेके आया हूँ, एक कैनेडा लेके आऊँ। और ये देखिए, लोहड़ी लिखा हुआ है इसके ऊपर, बड़ी पतंग लाया हूँ 20 वाली, ये भी अच्छी है। और ये देखो, अमेरिका शेड की पतंग लेके आया हूँ एक, देखो अमेरिका का फ्लैग और ये कनाडा का फ्लैग बना हुआ है, बहुत अच्छा, देखो कितना बड़ा है। इनको भी उड़ाएंगे लेकिन बाद में, अभी यहाँ से लेके चलते हैं कुछ छोटी पतंगे और ऊपर लेके उड़ाते हैं, ठीक है। तो भाई, सुबह का हो रहा है टाइम 7:30 हो गया। अभी देखो बारिश हुई है बहुत तेज, बारिश होने के बाद मेरा भाई ऊपर बटा लियो, खेंचा मार गया। तो पतंगे देखो गाइस, बारिश बहुत तेज आ चुकी है, अब देखते हैं कब रुकती है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। पतंगे अभी भी उड़ रही है लेकिन। तो गाइस, अभी अभी बारिश बंद हुई है, हम लोग छत पर, हवा इस समय 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हूँ, इतनी तेज चल रही है मैं आपको बता नहीं सकता। अभी आपको पतंगों नज़ारा दिखाता हूँ, कितना डेंजरस नज़ारा है। पतंग को देखो आप, ये वाली पतंग को देखो, स्पीड आप हवा स्पीड में देख, स्पीड में देखो, ये देखो वो देखो, पतंग का हाल देखो क्या हो गया। पतंगों तो हाथ ज़्यादा कटने का भी डर है, एंड खाना पीना फुल चल रहा है, जैसे हवा कम होगी तेन हम उड़ाते हैं पतंग। ये देखो, खाने पीना फुल चल रहा है, चिकन लेके आए हैं स्पेशल, ये होते हैं अमृतसर के कुलचे, स्पेशली कुलचे होते हैं, चिकन विकन के साथ आते हैं। मेरे कज़न अभी खाना खाएंगे, हम तो पहले ही खा चुके हैं। यो मेरी मासी भी आई है नीचे, रोड़ा साहब। तो गाइस, पतंग कट चुकी है अभी मेरी, और हाथ देखिए खून से लथपथ हो रखा है, थोड़ा थोड़ा हर जगह थोड़े थोड़े कट पड़े हुए हैं। और हवा इस समय 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, सर्च मार फिर भी हम, हाँ सर्च मार रहे हैं, मैं हूने सर्च मार रहे हैं। तो हाथ बहुत ज़्यादा फट रहे हैं,
फिर भी हम पतंग उड़ाएंगे, एक और उड़ाएंगे, फिर से उड़ाएंगे और काटेंगे लोगों की, देखना। इस समय मेरी इस साल की लोहड़ी एकदम बकवास हो गई है, इतनी बस लोहड़ी गई है मेरी इस साल की, क्योंकि पूरा दिन बारिश होती रही और अब जाकर शाम को 19 किलोमीटर पर आ की स्पीड में सिर्फ हवाएं और हवाएं चल रही है। हाथ फट चुके हैं पूरे मेरे, और आपको मैं बादल दिखाता हूँ कितने काले और बारिश का पूरा मौसम हो रखा है इस समय। फिर से ये देखो गाइस, ये देखो पूरे काले बादल आ रखे, बारिश का मौसम है लेकिन लोग हवा में फुल पतंगे उड़ा रहे हैं इस समय। Legends never die. When the world is calling you, can you hear them? अभी मैंने एक पतंग उड़ाई थी, वो पतंग इतनी ज्यादा डेंजरस हो गई थी कि ये हाथ देखो मेरे, ये हाथ देखो खून से लथपथ, दोनों हाथ, ये देखो दोनों हाथ, ये चीज देखो और ये चीज देखो, पूरे खून से लथपथ हो गए। उस पतंग को मुझे तोड़कर फेंकना छोड़ना पड़ा, इतनी तेज हवा में लग चुका था। उससे मैंने चार पतंगे काटे और उसके बाद हाथ में तोड़ के छोड़ दिया। लोहड़ी वाले दिन चिकन खाने का मजा कुछ और होता है। आओ हाय एचएस, तुम्हारी पतंग क्यों नहीं उड़ रही? अभी मेरा भाई पतंग उड़ा रहा है, मैं फिर ये बड़ी वाली उड़ाऊंगा, उसके बाद उड़ाऊंगा ये वाली कैनेडा अमेरिका की फ्लैग वाली, फिर देखते हैं क्या चलते हैं। अभी तो मेरा भाई उड़ा रहा है, देन मैं उड़ाता हूँ। अबू कैनेडियन आ What are you doing, Mr. Singh? कन्ने डाल रहे हैं हम कन्ने। मैं सुटे हाथ लेता था क्योंकि क्या किया ये? और डोर कर दिया। और ये वो आकर ये खिचो वो खिचो वो खिचो। अरे क्या बचा? तो डाले हो ना मेरा तो लगा। आई बो! मेरे ऊपर आई है! अगम टेप बनी तो गाइस मैंने 5-6 पतंगे काट दी एक ही पतंग से, इतनी भारी हो गई थी मुझे, मेरे मौसा जी को पकड़ानी पड़ी, वो हाथ छीलते हुए मांझा लेके जा रही थी पूरी पतंग, बहुत डेंजरस थी ये वाली पतंग। तो कैसा लग रहा है भाई तुम्हारा ब्लॉग कैसा बन रहा है अभी? अब लग रहा है कि लोरी है, क्योंकि हर लोरी में मेरे हाथ फटे ही होते हैं हमेशा की तरह, और इस बार भी फटे हैं वापस से। बहुत मजा आ रहा है इस समय तो, रात का टाइम हो रहा है, चिकन वाले चावल बट मेरे मौसा जी के हाथ के। आई एम मौसा जी शराबी, आई एम लग, आई एम लग, तुझे लग नहीं, तुझे ईट कर रहा लग। मास्टर जी गल बकरी है, चढ़ गई है इस करके तुम अंग्रेजी बोलते हो। मास्टर जी तुम चढ़ गई है, तुम इंग्लिश बोलते हो। अंग्रेजी आ रही है ना, तुम चढ़ गई है, तुम तई इंग्लिश बोल रहे हो, तई गलत इंग्लिश आ रही है, इंग्लिश आ रही है चढ़न तो बाद। पीना सेहत के लिए हानिकारक है, साफ बोलता हूँ। की बना रहे हो मासी? ऐसा डिजर्ट ये पूरे कटन दीजिए, फिर खिचड़ी बनावांगे राती, खिचड़ी दा मूल आ ओही खिचड़ी ते ओ मकर संक्रांति ते खाते ना? नहीं साडे च अज खांगे। ओके साडे च सवेरे नहीं, असि अज सब कुछ खांगे। मैं भी खाऊंगा। लोहड़ी मना रही है यहीं पर, क्योंकि ऊपर बारिश हो रही है, हम यहीं पर मना रहे हैं। शूज उतार लेते हैं।
मेरे पास कितनी पतंगे पड़ी है। मैंने पूरे दिन में शायद कुछ 10 से 15 पतंगे उड़ाई होगी, बाकी सब अभी पतंगे पड़ी है, मैं आपको शो करता हूँ। ये देखो, सिर्फ पतंगे और पतंगे। कनाडा वाले पतंग दिखाता हूँ आपको, सबसे बड़ी है जी ये, कल उड़ाएंगे कनाडा वाली पतंग, सबसे बड़ी पतंग है। इस लोहड़ी का शगुन है वो हमने कर लिया है घर पे ही, नीचे ही हमने जलाई क्योंकि मैंने आपको बता दिया था ऊपर बारिश हो रही है। कल है मकर संक्रांति, कल एक अलग व्लॉग आएगा, उसको भी ज़रूर देखना। एंड सारे व्लॉग को प्लीज़ जल्दी जल्दी देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो ना, क्यों नहीं कर रहे, जल्दी करो। एंड लाइक एंड शेयर जरूर करना मेरे व्लॉग्स को, एंड कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। एक बार फिर आप लोगों को हैप्पी लोहड़ी एंड बाय बाय।